नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रॉय और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ्लिक्स बाय राय। सर, हम बात कर रहे हैं 1D मोशन के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में, है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे जो प्रीवियस इसके जो वर्जन मैंने आपको बताए हैं, उन वर्जन के बारे में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो फटाफट यहाँ से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं और इसके बाद आने वाले जो क्वेश्चन है उसका भी आपको अपडेट मिलता रहे। बाकी के जो टॉपिक्स है उनके भी आपको क्वेश्चन फटाफट मिलने वाले हैं और मिल रहे हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको शॉर्ट में, आपको टॉप 100 क्वेश्चन या टॉप 50 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू टॉपिक, है ना, मिल रहा है। तो फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत काम के है। आइए क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 74 में हमसे बोला गया, अ ब्लड लॉसेस 1/n, है ना, ये चीज याद रख, ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हाइल पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस एक्स इनटू द टारगेट। ठीक, अब यहाँ पे प्लैंक्स की बात नहीं हो रही है, लेकिन हमसे बोला गया डिस्टेंस एक्स। ठीक, अब आगे बोला गया कि फर्दर वो कितना डिस्टेंस कवर करे कि वो बाद में लास्ट में आके क्या हो जाए, रेस्ट में आ जाए। ठीक है, बाद में हमसे पूछा गया कि ये कितना डिस्टेंस और कवर करेगा। ठीक, तो हमने उसको मान लिया बेटा कि वो डिस्टेंस कितनी है, अभी वाई है ना। अब ये कितना डिस्टेंस कवर करे कि फाइनली अपने पास जो है वो क्या हो जाए, वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो लिखते हैं अपन इक्वेशन मोशन फर्स्ट, तो यू माइनस यू बाई एन, ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी एक्स डिस्टेंस कवर करने के बाद में, यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2a और डिस्टेंस जो कवर किया उसने एक्स हो गया बेटा। ठीक है, ये मैंने किसके लिए लिखा, फर्स्ट जो एक्स डिस्टेंस उसने कवर किया उसके लिए, है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यू स्क्वायर यहाँ पे कॉमन कर लिया जाए अपना, तो 1 - 1/n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू से पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो यू स्क्वायर है उसको भी इस तरफ ले आते हैं, -2ax। ठीक, यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन कर लेते बेटा, 1 - 1/n का होल स्क्वायर -1 इक्वल्स -2ax। ठीक, अब देखो इसको अंदर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 + 1/n² a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab, है ना। तो 2/n और ये -1 है, इक्वल्स टू 2ax, और यहाँ पर जो साइन है वो क्या बेटा, माइनस साइन है। ठीक है, इतना आया भाई समझ में। अब देखो +1 - 1 कैंसिल आउट हो गए। ठीक, यहाँ पे इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, यू स्क्वेयर और 1/n² - 2/n इक्वल्स टू -2ax। ठीक, और सॉल्व किया जाए तो यू और ये हो जाएगा नीचे n² 1 - 2n इक्वल्स टू -2ax। ठीक, अब यहाँ पर ये जो माइनस है वो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, है ना, मतलब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर 2n - 1/n² = 2ax। ठीक, ये हो गई इक्वेशन वन। अब पूरे के लिए अगर बात करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितना बेटा, जीरो होगी, है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल है यू -2a, लेकिन अब जो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, उसमें एक्स और वाई दोनों काउंट हो जाएंगे, तो x + y टोटल डिस्प्लेसमेंट ये होगा अपना। ये बन गई इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर टू जब अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, कि फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड करेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं फिर डिवाइड करेंगे, तो ये इधर हो गया -u² = -2ax + y। ठीक, ये बनी मान लो इक्वेशन सेकेंड, इससे पहले वाली को मॉडिफाई कर दिया अपन ने। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, कि भाई अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए y की वैल्यू, x नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, y चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डिवाइड बाई टू, इक्वेशन वन डिवाइड बाई इक्वेशन टू। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे, कि 2n - 1/n² यू यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, 2a, और ये 2a भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा ऊपर, x बचा, नीचे बचा x + y। ठीक, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, इसका सॉल्व कर लेते हैं इसको सिंपल तरीके से, है ना। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, कि 2n - 1 * x + 2n - 1 * y = आ जाएगा बेटा n² x। ठीक, x वाली टर्म को उधर ले जाए, तो 2n - 1
इंटू वाई इक्वल्स टू एन स्क्वायर एक्स, और ये इसको भी इसके साथ में ऐड करेंगे अपन यहाँ पे, तो एक्स बाद में लिख देंगे दोनों में कॉमन करके, तो एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दूसरी साइड जाएगा इक्वल टू के, तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब क्या चाहिए अपने को? y चाहिए बेटा। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया अपना यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी लिखा है ना। वन को अपन a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू एन माइनस वन इंटू एक्स। ये अपना फाइनल आंसर होगा। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने आपको इसके तीन क्वेश्चन पहले दिए हैं, फोर्थ वाला ये है, और एक और क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो उससे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।